हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका सानवी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफर को पढ़ेंगे। देखिए, मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली और एन इम्प्लाइड कंपैरिजन। द लाइकनेस इज इम्बोडीड इन अ सिंगल वर्ड एंड दैट वर्ड फ्यूजेस द आइडेंटिटी ऑफ बोथ इनटू वन। इन मेटाफर वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक एज जस्ट एज इटीसी आर नॉट यूज। देखिए, मेटाफर क्या होता है? मेटाफर में देखिए, सिमली में क्या होता है? सिमली में क्या होता है? कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन होता है। और मेटाफर में क्या होता है? कंपैरिजन नहीं होता है। क्या होता है? एक वस्तु को या एक चीज को या जो भी है उसको दूसरा पूरी तरह से उसी को ही बता दिया जाता है। जैसे टाइम, एग्जाम्पल देखिए, टाइम इज मनी। अब यहाँ पर देखिए, टाइम इज मनी, और देखिए टाइम इज लाइक मनी। देखिए इसमें क्या है, टाइम इज लाइक मनी, समय कैसा है? पैसों के जैसा है। कैसे है? पैसों के जैसा। इसमें टाइम और मनी का कंपैरिजन है। किसका? टाइम और मनी का कंपैरिजन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, ये वाला सेंटेंस देखिए, टाइम इज मनी, समय क्या है? समय ही पैसा, समय ही धन है। देखिए समय धन है, तो इसमें इस समय की आइडेंटिटी खोकर इसको मनी, इसको ही धन बता दिया गया। तो इसमें क्या होता है? इसमें कंपैरिजन न हो के क्या होता है कि जो इस एक चीज को दूसरी चीज ही बता दिया जाता है, स्वयं वही बता दिया जाता है। इसको हिंदी में रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। इसका मतलब रूपक मीन्स ये जिस चीज का सिमली तुलना करता है, ये रूपक क्या करता है? ये तुलना न करके उसका रूप ले लेता है, उसी का रूप ले लेता है जिससे इसकी, मान लीजिए कंपेयर तुलना निहित होती है इसके अंदर, उसमें ये उसका रूप ले लेता है। उसी तरह से जैसे ये टाइम है, इसने किसका रूप ले लिया? मनी का। ये मनी हो गया, मनी की तरह, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है? इसको फिगर ऑफ स्पीच में मोनार्क, ये बहुत बड़ी चीज है, इसको याद रखना, मोनार्क ऑफ फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनार्क ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। मतलब जो भी आपके फिगर ऑफ स्पीच होते हैं उसमें सबका ये राजा होता है आपका रूपक अलंकार, इसको हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। ये मेटाफर आपका मोनार्क ऑफ फिगर ऑफ स्पीच होता है, फिगर ऑफ स्पीच का राजा होता है। आइए चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, इससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल क्या है, लाइफ इज व्हाट ए वॉकिंग शैडो। लाइफ क्या है? देखिए अगर ये सिमली होता तो यहाँ पर क्या होता कि लाइफ इज व्हाट लाइक ए वॉकिंग शैडो, ये सिमली होता। बट यहाँ पर ये क्या है, इस लाइफ को वॉकिंग शैडो कह दिया, इस लाइफ का अस्तित्व खत्म करके इसको वॉकिंग शैडो ही कह दिया गया, सेम इसको इसका रूप धारण करवा दिया गया। तो इसलिए मेटाफर है इसमें। और इसमें इसमें देखिए, इसमें क्या है, लाइफ इज व्हाट लाइक ए वॉकिंग शैडो, इस लाइफ कैसा है? वॉकिंग शैडो के जैसा है। इसमें क्या कह दिया गया, लाइफ वॉकिंग शैडो ही है। उसी तरह देखिए, इस छोटा सा एग्जांपल देख ले, इसे और अच्छे समझ में। लाइफ इज ड्रीम, जिंदगी क्या है? एक स्वप्न है। अगर यहीं पर कह दिया कि लाइफ इज लाइक ड्रीम, जिंदगी कैसी है? सपने की जैसी है, है ना? जिंदगी कैसी है? सपने की जैसी है, ड्रीम जैसी है। तो यहाँ पर जैसी शब्द आ रहा है कि जैसी है, तो कंपेरिजन है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा, कंपेरिजन नहीं हो रहा, यहाँ पर इस लाइफ को ही ड्रीम बता दिया गया, इस लाइफ को ही ड्रीम कर बता दिया गया, इसलिए यहाँ पर मेटाफर है, इसको हिंदी में रूपक कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरह देख लीजिए, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो हुज आर्मर इज हिज होनेस्ट थॉट, लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, द कैमल इज द सिफ ऑफ द डेजर्ट। अगर ये सिमली होता तो कैसे हो जाता, द कैमल इज द लाइक
सिप ऑफ द डेजर्ट, यहाँ पर लाइक आ जाता अगर ये सिंबली होता, लेकिन ये सिंबली नहीं है, ये मेटाफर है, इसलिए यहाँ पर ये इस कैमल को डेजर्ट का सिप बता दिया गया। अगर सिंबली होता तो जैसा बताया जाता है कि कैमल डेजर्ट के सिप के जैसा है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।